कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ ये आपको क्वेश्चन देगा, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ए कॉमा बी एंड बी सी कॉमा डी सबटेंड एन एंगल थीटा एट द ओरिजिन, ठीक है, प्रूव दैट। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है, कॉस थीटा इज ए सी बी डी अपॉन ये दिया हुआ है एंड ओ ए ओ बी कॉस थीटा इज दिस। तो ये दो चीजें प्रूव करनी है। अब देखिए, कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये कि हम जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ के, उसको समझ के उसका पिक्चर बना लेते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस होगा। अच्छा, अब देखिए, आपको बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक लाइन का टुकड़ा है, तो ये मान लेते हैं हम एक लाइन सेगमेंट है। अब आपको बोला है जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, इसके कोऑर्डिनेट से ए कॉमा बी एंड सी बी सी कॉमा डी, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट है ए बी एंड सी डी। अब आपको बोला ये जो लाइन सेगमेंट है ये सबटेंड कर रहा है एक एंगल, कितना, थीटा। लाइन सेगमेंट एक एंगल सबटेंड कर रहा है कहां पे, ओरिजिन पे। तो ये लाइन सेगमेंट ओरिजिन पे एक एंगल बना रहा है, माना इसके जो एंड पॉइंट है अगर मैं उसको ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं, मतलब इस ए और बी को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है इस लाइन सेगमेंट की वजह से, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको यहां पे दो चीजें प्रूव करनी है, दैट कॉस थीटा इज दिस एंड ओ ए ओ बी कॉस थीटा इज दिस, ठीक है, ये दो दो रिजल्ट्स हमें प्रूव करने हैं। और अब देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो मैं इस पोर्शन को अभी फिलहाल तो रब कर देता हूं। और अब देखिए यहां पे कई बार जैसे दिमाग में फ्लैश करता है कि हम जो पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है क्या वो लगा सकते हैं। देखिए वो फॉर्मूला जो है वो लगाने के लिए आपके पास इनिशियल लाइन से जो एंगल बना हुआ होता है वो एंगल लेना होता है। मोरओवर ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसमें हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जो है हम निकाल सकते हैं, बट ये करेंगे कैसे। अब देखिए यहां पे हमें cos थीटा इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये प्रूफ करना था। तो कैसे करेंगे, अब देखिए मुझे इसमें cos थीटा चाहिए। अब 90 डिग्री तो बन ही नहीं रहा कहीं पे भी, है ना, ये रैंडमली हमने फिगर बनाया हुआ है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे हम ट्रिगोनोमेट्री का एक रूल यूज करेंगे। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको ये बात मालूम होगी, और अगर ट्रिगोनोमेट्री अभी नहीं हुआ है तो मैं जस्ट आपको वो रूल बता दूं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है और लेट्स से दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड लेट्स से दिस इज एंगल सी। ये डेरिवेशन में भी हमने ये ट्रिक यूज की थी कि ए के ऑपोजिट साइड ए, बी के ऑपोजिट साइड बी, सी के ऑपोजिट साइड सी, एंड इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। ये हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव करने के लिए भी यूज किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नाउ वी नो दैट लॉ ऑफ कोसाइन कहता है कॉस ए, अगर मुझे इस एंगल का कॉस निकालना है तो वो हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू, इसके साथ दो साइड्स लगी हुई हैं बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, और इसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे अपॉन टू लिखेंगे, और जो ये दो साइड्स हैं उसको लिख देंगे। दिस इज द फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, एंड लेट अस से ओ से लेके बी तक हम आर टू अज्यूम करते हैं, ओ से लेके ए तक हम आर वन अज्यूम करते हैं। तो यहां पे हमारे पास कॉस थीटा कितना हो जाएगा, हम इसी रूल को लगाते हैं, कंसेप्ट बस हमें समझना था। तो यहां पे कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा, इसके साथ लगा हुआ है आर वन और आर टू, तो हम लिख लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस थीटा के सामने वाला साइड यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू, फाइन, ये हमें मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें प्रूव करना था कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पे आर वन और आर टू, हाँ यहां पे आर वन कितना हो जाएगा, देखिए आर वन इज व्हाट, नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ ओ एंड ए, देखिए ओ यानी ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे और किसी भी पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे कि मुझे अगर ए ओ ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आर वन क्या है, ओरिजिन से ए बी का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अंडर रूट में होगा, अंडर रूट में होगा, लेकिन लेकिन यहां पे होल स्क्वायर है, ठीक है, बात समझ में आई। आर वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन क्योंकि यहां पे आर वन स्क्वायर है तो ये जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। तो बेसिकली यहां पे आर वन हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बन गया। अच्छा, इसी तरीके से आर टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए सी और डी का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इतना हो गया माइनस ए बी का स्क्वायर। अब यहां पे ए बी मुझे निकालना है, तो देखिए ये जो ए बी है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो ये ए बी हम निकालते हैं कितना है, और उस वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए बी, अब देखिए यहां पे हम निकाल लेते हैं ए बी, तो डिस्टेंस ए बी हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस सी होल स्क्वायर, है ना, ए माइनस सी होल स्क्वायर बी माइनस डी होल स्क्वायर, ओके। अब क्योंकि ये ए बी की वैल्यू है तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर यहां से रूट हट जाएगा, सो बेसिकली माइनस ऑफ ए माइनस सी एंड बी माइनस डी विथ होल स्क्वायर, फाइन। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आर वन आर टू है, तो 2 टाइम्स आर वन, आर वन अभी हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, एंड आर टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। अब यहां पे देखने वाली बात है कि हमने जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन तो हमारा ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था कॉस थीटा इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर हमें लेके आना है, तो बहुत इजीली आ जाएगा। यहां पे 2 एक्स्ट्रा है वो भी कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इन द मीन टाइम मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि जैसे जैसे आप ये क्लास देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक एंड पेन रखें, और जैसे जैसे मैं टॉपिक करवाते जा रहा हूं, एक तो आप अपने नोट्स बनवाइए बनाइए, एंड दूसरी चीज कोई भी क्वेश्चन मैं जब कराता हूं तो आप वीडियो पॉज करके पहले आप वो क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे को बन जाएगा तो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना, इससे आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी, आपको बाद में रिविजन करने में ईजी होगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है साथ के साथ क्वेश्चन करने में। मोरोवर इस वीडियो के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब से जो भी वीडियो बनाऊं उसके एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि उस दिन के टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ताकि आप वो सारे क्वेश्चंस कीजिए, एंड अगर वो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं दैट मींस ये टॉपिक आपको 100% क्लियर है। कई बार क्योंकि कईयों के माइंड में क्वेश्चन रह जाता है कि अगर हमने ये वीडियो देख ली तो क्या हमारा चैप्टर ओवर हो गया, क्या हमें ये टॉपिक क्लियर हो गया, क्या हम सीबीएसई का एग्जाम पास कर सकते हैं या आईआईटी का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप वो सारे क्वेश्चन कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप श्योर रहेंगे कि हाँ आपको ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फाइन। अच्छा, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए ए माइनस सी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, प्लस ऐसे यहां पे भी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू बी डी। डिनोमिनेटर में ये चीजें एज इट इज रहेंगी, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो हमारे पास देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यह है हमारे पास, इसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, दिस पोर्शन इज डन। माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस है माइनस बनेगा, प्लस है माइनस बनेगा, माइनस है प्लस बन जाएगा, प्लस है माइनस बन जाएगा माइनस डी स्क्वायर
प्लस टू बी डी, ये हमें मिल गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो कैंसिल हो रहा है उसको हमें कैंसिल करना है, दैट मींस ये ए एंड ए हो गया कैंसिल, सी एंड सी हो गया कैंसिल, बी डी ये सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास टू ए सी टू बी डी बच गया, तो हम इसको टू ए सी टू बी डी, ठीक है। अच्छा, यहां पे टू कॉमन आ रहा है तो हम उसको एक ही स्टेप में हाँ कॉमन भी ले लेते हैं और जो रिजल्ट बच गया उसको लिख भी लेते हैं। तो बेसिकली ए सी एंड बी डी विद अ टू है ना कॉमन, नीचे टू आ गया। अब देखिए ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, इसको मैं एक सिंगल अंडर रूट में लिख सकता हूं। वी नो दैट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये बात आप पढ़ते आ रहे होंगे, विल ऑलवेज बी अंडर रूट ए बी। ठीक है, रूट के अंदर अगर दो नंबर्स हैं, अगर उनके रेडिकल साइन सेम है, मतलब ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, वो अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, सो टू एंड टू गेट्स कैंसिल, ये रिजल्ट आ गया हमें जो फर्स्ट रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसमें जो सेकेंड पार्ट है जो हमें प्रूव करना था वो था कॉस थीटा ओ ए ओ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी प्लस पी डी, कुछ इस टाइप का हमें प्रूव करना था। हाँ, तो अब देखिए जो हमारा डायग्राम था वो कुछ इस टाइप का था कि दिस एंड दिस एंड लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी दिस इज ओ, तो ओ ए ये हमारा आर वन था, ओ बी इसको हमने आर टू अज्यूम किया हुआ था, दिस इज ए एंड बी दिस वॉज सी एंड डी, इस टाइप से था हमारे पास, और ये एंगल जो हमारे पास थीटा था। ठीक है, इसी रिजल्ट से हम प्रूव कर लेते हैं। हमने जो लास्ट रिजल्ट प्रूव किया वो ये था कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसको अलग रूट में हम लिख लेते हैं, जैसा कि सेकेंड लास्ट स्टेप में हमारे पास था, सेकेंड लास्ट स्टेप या उसके जस्ट प्रीवियस स्टेप में हमारे पास था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इस टाइप से था हमारे पास जिसको हमने इकट्ठा किया था। तो अब यहां पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो अंडर रूट में है, ये हमने क्या समझा था, ये बेसिकली ओ ए है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट में इसको हम ओ ए लिख सकते हैं, है ना, बेसिकली ओ ए हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सिमिलरली ओ बी हमें ये मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ओ बी एंड दिस इज व्हाट कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने देखा, आगे हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है चॉइस ऑफ एक्सेस का। ठीक है, चॉइस ऑफ एक्सेस का, कई बार हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जहां पे हमें ना कोऑर्डिनेट एक्सेस दिए ही नहीं होते हैं, ये एक्सेस हमें अपने हिसाब से चूज करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए आपको बोला है कि प्रूव दैट या शो दैट द ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स है ना, हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय इंटीजर्स, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो सम इंटीजर है, कैन नेवर बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, जब भी हमें एक्सेस खुद से चूज करना होता है तो हम कोशिश करते हैं अपना कन्वीनियंस, जिससे कि मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम से कम हो और जल्दी से जल्दी मेरे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए, बेसिकली मैं अपने ईज के लिए, है ना, मैं कभी भी कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं मैं ऐसे एक्सेस चूज करूं जिससे क्वेश्चन मेरे लिए ईजी हो जाए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी पड़ जाए। अब उसके लिए देखिए, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जहां पे मुझे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बोले हुए हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आप उसको ओरिजिन और उसके अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करेंगे। मोर ओवर मुझे अगर कोई लाइन दी जाती है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसके मिड पॉइंट को ओरिजिन ले लूं और टोटल डिस्टेंस को 2a अज्यूम करके, या क्वेश्चन में अगर दिया है तो इसके जो दो एंड पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट a,0 एंड a-a,0 ऐसे ले लूं। ठीक है,
ये मुझे अपने से चूज करना है, ठीक है। मोरओवर अगर मुझे वर्टिकल लाइन दिया है तो अगेन इसके मैं मिड पॉइंट को 0, 0 लेके इसके कोऑर्डिनेट को 0, a एंड 0, -a। सो व्हाट, इस टाइप के जो है ये कुछ बातों का मुझे ध्यान रखना है। इसको आप रूल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि हम एक्सेस को कैसे चूज करेंगे। तो देखिए यहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस आपको बोला है एक ट्राइंगल है ना। ये रैंडमली हम कोई भी ट्राइंगल, जैसे कि जनरली कोई भी ट्राइंगल जो है ऐसे बनाता है। अब देखिए ये है मेरे पास, अगर मैं इसको एक्स एक्सेस बना लूं तो शायद मुझे ये क्वेश्चन ईजी बने, ईजी पड़े। तो अब देखिए मुझे, चलिए इतना तो समझ में आ गया, ये ट्राइंगल है, मुझे इसको एक्स एक्सेस बनाना है। तो इसको एक्स एक्सेस बनाना है तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कोऑर्डिनेट्स इसके ऐसे चूज करूंगा या एक्सेस मैं ऐसे चूज करूंगा कि क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक पॉइंट, जैसे कि मैं इस पॉइंट को क्या करता हूं, ओरिजिन अज्यूम कर लेता हूं 0, 0, ठीक है। इससे क्या होगा, अब सपोज ये ओरिजिन है तो इसको हम वाई एक्सेस ले लेते हैं, अब ये तो एक्स एक्सेस हो ही गया, ठीक है। इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि देखिए 1.00 हो गया, अब मुझे डिस्टेंस निकालने में क्या है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अब क्योंकि मैंने इस लाइन को एक्स एक्सिस माना हुआ है तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सम ए कॉमा जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी लाइन ही एक्स एक्सिस है, तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट जो है जीरो होगा, एब्सेंट होगा। तो देखिए अब वहां पे भी देखो सिर्फ जो भी कैलकुलेशन होगा एक्स में होगा, वाई का पार्ट जो है खत्म हो गया, ठीक है, ये मुझे एक बेनिफिट हो गया। फिर ये जो पॉइंट है, अब इस रैंडमली इसको मैं कुछ भी ले लेता हूं, लेट्स से सी कॉमा डी, ठीक है, बात समझ में। तो यहां पे मैंने एक्सिस, ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स इस हिसाब से चूज किए कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे इजी होना चाहिए। अब ऐसा मतलब आप इसको चाहे तो, जैसे इसको हम बोलते ए कॉमा बी, इसको हम बोलते सी कॉमा डी, इसको हम बोलते ई कॉमा एफ, ठीक है, ऐसे करके अगर हम सॉल्व करते, हो सकता है कि वैसे भी वो सॉल्व होता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन हाँ मेरे लिए क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैं ये डिस्टेंस निकालता, ये डिस्टेंस निकालता, ये डिस्टेंस निकालता, फिर मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर ये ए बी सी डी ई एफ इंटीजर्स हैं तो फिर ये जो ट्राइंगल है इक्विलैटरल नहीं हो सकता, और इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब यहाँ पे मैंने ये जो एक्सेस इस हिसाब से चूज किया है, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि इसके तीन कोऑर्डिनेट को 0, 0, a, 0 एंड c, d ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ पे तो देखो जीरो, ये तो y एक्सिस में नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और इसका एक साइड जो है मैंने x एक्सिस में डाल दिया और ये ओरिजिन पे आ गया, ये y एक्सिस पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, मुझे इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया कि देखिए ये 0, 0, 0 मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो है ए बी एंड सी, है ना, अननोन कॉन्स्टेंट्स हम कह सकते हैं रादर देन वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट ए बी सी बी सम इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है कि इसके वर्टिसेस इंटीजर होने चाहिए, तो हमने अज्यूम किया कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है ना, 0, 0 तो वो तो इंटीजर फैमिली में आ ही गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मैं इसको लेट्स से ए या फिर ओ रादर देन ए एंड लेट्स से दिस इज बी, तो मैं डिस्टेंस निकालता हूं लेट्स से ओ ए, साइड ओ ए, जो कि मुझे क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि सिर्फ ए मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ओ बी डिस्टेंस निकालूंगा तो ये मुझे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा, फाइन। अच्छा, अब मैं ए बी यानी कि तीसरा साइड अगर निकालता हूं तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको प्रूव करना है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो इंटीजर नहीं हो सकते, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं हो सकते, और अगर कोऑर्डिनेट इंटीजर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि लेट ए बी सी बी सम इंटीजर्स,
और ये इक्विलैटरल हमने ट्रायंगल अज्यूम किया है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो तीन साइड है OA, OB एंड AB, ये तीन साइड जो है आपस में इक्वल होने चाहिए। दैट मींस OA मस्ट बी इक्वल टू OB मस्ट बी इक्वल टू AB, ठीक है, ये हो गया। दैट मींस A इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस C एंड T स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम लेंगे तो ये मुझे a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, जिसको कि मैं a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड b स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में मुझे ये नहीं सोचना है कि अरे ये कैसे होगा, रादर देन मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इन्फॉर्मेशन ये दी है, दूसरी इन्फॉर्मेशन उसके कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं होने चाहिए। हमने अदर वे राउंड मान के चला कि अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं वो इंटीजर है और उसको हम सॉल्व करते जाते हैं, देखते हैं कहीं अगर कुछ बात बन जाए। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को आपस में इक्वल लेता हूं, तो हमारे पास रूट ऑफ सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए माइनस सी, ये मिल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर लिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, तो बेसिकली जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए सी। इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा टू ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए और ए अगर हम हटाते हैं तो टू सी इज इक्वल टू ए या फिर ए इज इक्वल टू टू सी, ठीक है, ए इज इक्वल टू टू सी, इतना आ गया हमारे पास। अब आगे क्या किया जा सकता है, हमें ये ए बी और सी की वैल्यू किसी भी तरीके से चाहिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन बच गए फाइनली, एक तो ए इज इक्वल टू टू सी और दूसरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें हम जैसे ये ए की वैल्यू मिली है, इसको मैं वहां पुट करके देखता हूं कुछ बात बन जाए। ए इज इक्वल टू टू सी है, यहां जब पुट करूंगा तो ये हो जाएगा टू सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टू सी का होल स्क्वायर हो जाएगा फोर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मिल गया मुझे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस c को यहां शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, यानी कि 3c स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, यानी कि अब जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं d स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो d इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3 c स्क्वायर। अब ये c स्क्वायर तो रूट के बाहर आ जाएगा लेकिन ये 3 जो है रूट में बच जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो d इज इक्वल टू रूट थ्री सी, अब हमने क्या अज्यूम किया है a b, तो यहां पे आपने देखा, मैं आपको बता दूं हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप का था, ये ट्रायंगल था, इसको मैंने 0,0 लिया था, इसको मैंने a,0 लिया था, इसको मैंने c,d लिया था, और हमने देखा कि जो d है इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री सी, यहां पे d हमने अज्यूम किया है इंटीजर, c हमने अज्यूम किया है इंटीजर, a हमने अज्यूम किया है इंटीजर, एंड d इज इक्वल टू रूट थ्री सी। नाउ इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय सम इरेशनल नंबर, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई इंटीजर इज इक्वल टू सम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम रैशनल नंबर, ये हो ही नहीं सकता। इरेशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर जो है उसको पूरा का पूरा इरेशनल बना देगा, तो ये इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो दिस इज इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो हम लिख देंगे कि देखिए हमने जो सपोज किया था या हमने जो अजम्पशन किया था कि हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर हो, वो गलत है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज कैन नॉट बी इंटीजर्स।
ठीक है, ये हमने प्रूव किया क्वेश्चन, ये चॉइस ऑफ एक्सिस पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। जैसे कि मैंने बोला था, मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के बीच में या एंड में कहीं भी, हाँ हो सकता है मैं बीच में भी कई कई जगह पे कोई टॉपिक खत्म करूं उसके बीच में आपको क्वेश्चंस दे दूं। तो ये क्वेश्चन आपने करना है, मैं जस्ट आपको इसमें कंसेप्ट बस बता दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोई लाइन दी और उसका मिडिल पॉइंट दिया, तो हम उसके मिडिल पॉइंट को जनरली कोशिश करते हैं क्या ओरिजिन लेने की। यहाँ पे आपको बोला इन एनी ट्राइंगल एबीसी शो दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब पहले तो जैसे कि आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें ज्योमेट्री में मिलता है, हम क्या करेंगे उसका डायग्राम बनाएंगे। एंड नाउ दिस इज एनी ट्राइंगल एंड लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी। अब आपको क्या बोला है, डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी। हमें डायग्राम ऐसे बनाना है कि जो मिड पॉइंट है वो हमारे एक्स एक्सिस में आ जाए, डी इज द मिडिल पॉइंट। तो सपोज ऐसे है ना, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो किसी एक्सिस में पड़े ही नहीं, क्योंकि रैंडमली किसी भी ट्राइंगल की बात हो रही है। अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, देन जैसे कि मैंने बताया था अगर मुझे मिड पॉइंट मिलता है तो मैं उसी को ओरिजिन लूंगा। दैट मींस ये जो डी पॉइंट है इसको आप ओरिजिन अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं, चॉइस ऑफ एक्सिस समझा रहा हूं, क्योंकि ये लाइन मुझे ऑलरेडी बोला हुआ है इसका मिड पॉइंट डी है, तो डी को मैंने ओरिजिन मान लिया। अब डी को मैंने अगर ओरिजिन माना है, देन दिस सी हैज टू बी ए कॉमा जीरो। अगर मैं इस टोटल लेंथ को ए मानता हूं तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा जीरो, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, अब मेरे पास थर्ड वर्टेक्स बच गया, तो इस थर्ड वर्टेक्स को मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, तो मैं इसको लेट्स से बी एंड सी ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, अब मुझे ये जो रिजल्ट है ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चॉइस ऑफ एक्सिस आपने समझा हा? कि कैसे हम एक्सिस को चूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है वैसे तो आप लोग कर लेंगे अगर आपने अभी तक ध्यान से देखा है, ध्यान से ये पूरा लेक्चर समझा है एंड इसके पीछे वाले लेक्चर समझे हैं तो आपको बन जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप बताएं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखिए आपको एक्सेस नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे एक्सेस आपको खुद से चूज करना है। आपको बोला लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड पी बी एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन। आपको ए बी सी डी कोई भी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम परफेक्ट नहीं है, राइट। सो लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस इज एनी रेक्टेंगल, और आपको बोला पी इज एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन। अब इसी प्लेन में पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां पे मेंशन नहीं किया पी कहां पे है, पी यहां पे भी हो सकता है, पी यहां पे भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, पी कैन बी एनी वेयर, ठीक है ना। तो मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज एनी पॉइंट पी, ओके। अब आपको बोला है कि शो दैट ये पी ए, ठीक है, पी ए एंड पी सी, ठीक है, पी ए एंड पी सी का पी ए स्क्वायर एंड पी सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये पी यहां के बजाय आप यहां भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन समझा दिया, इसमें एक्सेस आप खुद से चूज कीजिए। पीछे वाले क्वेश्चन में तो मैंने आपको हिंट दिया था कि एक्सेस हम कैसे लेंगे, यहाँ पे मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं एक्सेस हमें कैसे ध्यान देना होता है। अगर मिडिल पॉइंट की बात हो रही है तो हम उसको एक्सेस चूज करेंगे, अगर दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम कोशिश करते हैं वो दो लाइंस को एक्स एंड वाई एक्सेस ले लें। तो उन बातों का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे एक्सेस ओरिजिन खुद से चूज कीजिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला उसको यूज करके आप ये क्वेश्चन प्रूव कीजिए, ठीक है।